तुम्हारे पीछे यह सब हो रहा है। मैं तुम्हारी इस पवित्र ऊर्जा को चारों दिशाओं में फैलाना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम सबसे ऊपर देखना चाहता हूँ। स्वर्ण को भी चमचमाते स्वर्ण बनने के लिए तपती आंच से गुजरना पड़ता है। हीरे भी ऐसे ही मशहूर नहीं हुए हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जिनके लिए मैंने बहुत बड़ी योजना तय की होती है, उनके जीवन में विकट परिस्थितियां उत्पन्न होते हैं, परंतु तुम्हें इन सब से भयभीत होकर कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। यदि तुमने एक बार हार मान लिया तो कभी भी जीत नहीं पाओगे, और यदि ठान लिया तो कोई भी तुम्हें जीतने से रोक नहीं पाएगा। तुम नहीं, भीड़ तुम्हारे पीछे होगी। तुम नहीं, लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे। तुम नहीं, लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे। तुम नहीं, लोग तुम्हारी सराहना करेंगे। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही है। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, सभी सुखों को देने के लिए तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही है। तुम्हें अभी इसका आभास नहीं हुआ है, परंतु बहुत जल्द सच तुम्हारे सामने होगा। तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां अब तुम अपने कदम पीछे नहीं कर सकते हो। तुम्हें डगमगाना नहीं है, क्योंकि जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिसे तुम मुझसे बार बार मांग रहे हो, वह तुम्हें देने का शुभ निश्चय समय आ गया है। जो शुभ विचार तुम्हारे अंतर मन में बार बार आ रहे हैं, उन पर ध्यान दो। आगे का मार्ग तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। मेरे प्रिय, इस समय तुम्हें अपने अंतर मन की आवाज को सुनना है। तुम्हें सही मार्ग दिखाने वाला कोई और नहीं, स्वयं तुम हो। मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूँ और तुम्हारे अंतर मन की गहराइयों से तुम्हें पुकारता हूँ और तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाता हूँ। तुम सबकी बातों को सुनते हो, क्या कभी अपने अंतर मन की आवाज को सुनी है?
तुम दिव्य हो और सदैव दिव्य कर्म करते आए हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूँ जिससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुमने जो अपनी अच्छाई के बीज बोए थे, अब वह विशाल वृक्ष बन गए हैं और तुम्हें तुम्हारे अच्छाई के फल देने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में उस खुशी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन का आधारशिला है। यह सावन तुम्हारे जीवन में कोई ऐसे चमत्कार से कम नहीं है। यह सभी के अधूरे स्वप्न को पूरा करने आया है इतने सालों बाद। तुम कई रातें रोए हो और बहुत व्याकुल भी हुए हो। सबके समक्ष मुस्कुराते अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पिए हो, परंतु अब बस बहुत हुआ। अब तुम्हारी मुस्कान निरंतर बढ़ती ही जाएगी। सही समय पर सही मार्गदर्शन के लिए इस चैनल का माध्यम आदि पाठों को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आएगी, मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर उसे तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव आएगा जहां तुम्हारे साथ सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होने लग जाएगा। तुम्हारा चुंबकीय शक्ति इतना अधिक बलवान हो जाएगा कि सभी की चीजें तुम्हारी ओर आकर्षित होने लग जाएंगी। अपने आभा मंडल को ऐसे ही दिव्य और पवित्र बनाकर रखो। आने वाले समय में तुम चौंकने वाले हो, क्योंकि तुमने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी वह चीजें भी घटित होंगी। तुम आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ रहे हो जो कि बहुत ही अच्छा कर रहे हो। तैयार रहो दिव्य चमत्कार के लिए। अपनी झोली को खुशियों से भरने के लिए तुम बिल्कुल सही राह पर चल रहे हो। आगे बढ़ते रहना, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनते रहना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गलत करने से बचा लूंगा और हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवन में निर्णय लेने से मत डरो। अपने हृदय पर हाथ रखो, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनो। ऐसा करने से तुम कभी जीवन में गलत निर्णय नहीं लोगे।
मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ मुस्कुराने का मौका मिलने वाला है। परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, मुझे अपार सफलता की प्राप्ति हो रही है, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, मैं धन्य और भाग्यशाली हूँ। टाइप यस इफ़ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।